नमस्कार, मैं हूं सुमित झा का और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को हमने कुछ दिनों पहले भी दिखाया था कि लाखों रुपए की स्कॉलरशिप की जो एक घोषणा है वो चरखी दादरी के APS स्कूल के द्वारा की गई थी। यहां पर आप आज देख सकते हैं आदर्श मैथ एंड साइंस ओलंपियाड आज यहाँ APS स्कूल में हो रहा है और उसके लिए जो तमाम जरूरी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ देखिए अभी भी बच्चे जो हैं अभी पहुँच रहे हैं और अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है और बच्चे यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बिल्कुल यहाँ पर जो इनका ग्राउंड है उसी के गेट से ही आप देख सकते हैं भीड़। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार अंदर तक का दिखा दें किस प्रकार से काफ़ी सारे जो पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के आए हैं उनकी यहाँ पर आप बड़ी भीड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बच्चे पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि साथ आएँ। ये देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी जो लिस्ट है ये यहाँ पर लगा रखी है, बाकायदा उन बच्चों की ये लिस्ट है जिन जो बच्चे आज जो यहाँ अपना ये जो मैथ एंड साइंस ओलंपियाड के लिए जो टेस्ट देने के लिए पहुँचे ये उनके लिए लिस्ट है और बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी जो लिस्टें लगी हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है ना बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे और लोग भी हैं, जरा इनसे जो पेरेंट्स यहाँ पर साथ में आए हुए हैं उनसे जरा बात करके देखते हैं कि क्या कुछ सोच करके आए हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सोच करके आए हैं जी? बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। स्कॉलरशिप का सुन करके आए या स्कूल अच्छा लगा, क्या सोच के आए? स्कूल अच्छा है जी। स्कूल अच्छा है और बच्चे तैयार हैं? आज बच्चे तैयार हैं। स्कॉलरशिप जीत पाएंगे? कोशिश पूरी करेगी। कोशिश पूरी करेंगे जी, बिल्कुल कोशिश पूरी करेंगे। सर क्या सोचा था कि बच्चों को यहाँ लेकर के आएंगे तो क्या कुछ आप लोगों को फैसिलिटी मिल पाएंगी? हाँ फैसिलिटी मिल पाएंगे जी, पूरी मिल रही है, पहले मिल रही है जी। पहले से यहीं पे पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी। वाह जी वाह, देख लीजिए इसी स्कूल के जो बच्चे यहाँ पे हैं वो उनको भी टेस्ट दिलाने के लिए, क्या सोचा कि ये टेस्ट देना क्यों चाहिए? बच्चे का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा जी भविष्य के लिए जी, बच्चे को अनुभव हो जाएगा कि भाई एग्जाम ऐसे दिया जाता है, कल नेट की तैयारी करनी है और भी तैयारी करनी है जी। तो स्कूल करवा पा रहा है आप, तो यहाँ का एक्चुअल स्थिति बता पाओगे इस स्कूल की? एक्चुअल स्थिति जी इसकी ओके है जी, पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर जी। 4 साल से मैंने मेरा पोता का एडमिशन करवा रखा है इसमें और मेरे पड़ोस के बच्चे आते हैं, ताकि वो अब भी 6ठी क्लास में है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर की हिंदी पढ़ा देता है। वाह जी वाह, ये देख लीजिए 6ठी क्लास का बच्चा इतना टैलेंटेड हो चुका है। और भी लोग हैं जी? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो सर? गाँव मंडोला से आए हूँ जी। बच्चे यहीं पढ़ रहे थे या कहीं? जी महेंद्रगढ़ पढ़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ पढ़ रहे हैं, तो सर वहाँ तो बड़ा हब बताते हैं लोग, तो यहाँ कैसे लेके आए? हम देखते हैं जी कैसा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं और लाखों रुपए की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। स्कॉलरशिप भी है, एडमिशन ले चाहे ना लो। हाँ मत लो जी, प्राइज मिलेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। बच्चे तैयार होकर के आए? हाँ पूरी तैयारी करके आए जी फर्स्ट इनाम के लिए जी। तो हाँ क्या जी। लगता है कि ये जो स्कूल है आपके जो बच्चों को आगे जो भविष्य बनाने में किस तरह का योगदान दे पाएगा? बहुत बढ़िया योगदान देगा जी, अच्छे अच्छे टीचर बता रहे हैं यहाँ पर, फिर बच्चा ही बताएगा जी आज आकर जी, बच्चा बताएगा। दिनेश जी आप भी काफ़ी सारी जो चीज़ों में रहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो ये स्कूल है किस तरह से काम करा रहा है? सोमेश जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं ये भी समाज में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रही हैं फिलहाल, क्योंकि जो शिक्षा हमारे दूसरे स्कूल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं और ये उसको करवा रहे हैं, चाहे वो साथ में कोचिंग जोड़ें चाहे अलग से पेरेंट्स को प्रेरित करें जी। किसी प्रकार से आगे प्रत्येक प्रतियोगिता में भेजना चाह रहे हैं। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, यहीं पे पढ़ रहे हैं या कहीं और दूसरे स्कूल में? मेरे बच्चे एक तो वेस्ट स्कूल में गुड़िया पढ़ती है और जो लड़का अपने आदर्श स्कूल ब्रह्मचारी गीता भवन उसमें पढ़ते हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी क्यों ना टेस्ट देकर देखें हमारी योग्यता कितनी, हम भी क्यों ना बढ़ा के देखें, तो वो भी तैयारी करके आए हैं, इनाम मिले ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। देखिए बिल्कुल अपने जो कैलिबर है बाकायदा चेक करने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भी काफी सारे लोग हैं। जरा अंदर थोड़ा सा और चलते हैं, अंदर चल करके बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कौन सी जगह से आए सर? ढाणी फोगाट से। कहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे? ये सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर फिर आज कैसे आए, क्योंकि सर्वोदय स्कूल तो बड़ा नाम है। मैं बच्चों को एग्जाम दिलाने आया सर। जी जी, तो बच्चों में कैपेबिलिटी आप देख पा रहे हैं कि ऐसी कि कहीं ना कहीं है कैपेबिलिटी? बिल्कुल है सर, और यहाँ जो ये संस्था है काफ़ी पुरानी है हमारी, पहले यहाँ आदर्श स्कूल है उन्हीं की संस्था है ये जी, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स है इस क्षेत्र में जी, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बच्चों की पढ़ाई है, इसलिए बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने आए और मन भी है शायद
बच्चों का यहाँ एडमिशन भी करवाए और काफी बच्चों का। वाह जी वाह, देख लीजिए मन बना के आ चुके आप तो पहले से ही। मन ऐसा क्यों बना, ऐसी क्या चीज आपने यहाँ पर देख ली कि जिसकी वजह से ये मन बना के आ गए हो कि यहाँ पे एडमिशन भी करा दूंगा? सर एक तो यहाँ जो टीचिंग स्टाफ है इनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, बहुत सरल लहजे के हैं। रामकिशन जी हैं और नवीन जी सतवीर जी हमारे गांव से ही हैं जी, और इनका बहुत अच्छा व्यवहार है बच्चों के प्रति भी और पेरेंट्स के प्रति भी। वाह जी वाह, देख व्यवहार देखते हुए हमारा मन है कि यहां बच्चों का एडमिशन कराएं। वाह जी वाह, देख लीजिए बिल्कुल व्यवहार देख लिया है भाई साहब ने जी। भाई साहब कहाँ से आए हो? मिस्त्री से सर। और बच्चों का टेस्ट दिलाने के लिए आए या स्कॉलरशिप के लिए आए हो, एडमिशन के लिए आए, क्या चीज के लिए? बच्चों का एडमिशन यही है सर पहले से। अच्छा। स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आए हैं जी। ठीक है, तो बच्चों की तैयारी कैसी करवा रखी है स्कूल ने, कुछ पढ़ाया वढ़ाया भी है या बस ऐसे ही खाना पूर्ति कर दी? नहीं जी, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ है और हमारे मिस्त्री से तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहाँ। वाह जी वाह, मिस्त्री से बहुत ज्यादा बच्चे बता रहे हैं भाई, और भाई सेटिस्फाइड हो आप? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है भाई, सेटिस्फाइड है। काफी लोग और भी हैं यहाँ पर बैठे, महिलाओं से जरा जानेंगे कि जो महिलाएं, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का जो काम है वो फाइनली घर पर जाकर के जो उनकी मम्मियां हैं वो करती हैं, तो यहाँ पर काफी सारी महिलाएं भी बैठी हैं, जरा इनसे इनसे जरा जानेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? हम दादरी से हैं जी। बच्चा यहीं पे पढ़ रहा था या किसी और स्कूल? नहीं, किसी और स्कूल में जी। तो आज यहाँ किस वजह से, क्या सोच करके आए, क्या देखा आप लोगों ने यहाँ का? यही है जी, बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चा थोड़ा सा ना बाहर निकले बस, और तो कोई जी। तो स्कूल के बारे में पता किया है कि कैसा है, क्या कुछ यहाँ का माहौल है? नहीं अभी तो कुछ पता नहीं किया जी, अभी पता करेंगे। हाँ जी। और वैसे जो पहली नज़र में जब देखा है स्कूल तो कुछ लग रहा है कि हाँ बच्चे का अगर एडमिशन कराएंगे तो यहाँ कुछ अच्छा हो सकेगा? हाँ जी, सोच रहे हैं कि इसी में करवाने की, अब देखते हैं आगे। जी देखते हैं आगे, सोच दिमाग में बिल्कुल चल पड़ा है कि क्या है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं? दादरी से ही जी। दादरी से ही, बच्चे यहीं पर पढ़ रहे थे? नहीं नो सर। तो क्या अब देख के आए हैं या स्कॉलरशिप के लिए आए हैं? नहीं नहीं सर, ऐसे बस बच्चे का टेस्ट दिलवाना था, फिर देखते हैं कि आज हो जाता तो अच्छी बात है जी, फिर इसमें एडमिशन करवाएंगे जी। तो कुछ सुना था इसके बारे में पहले से? हाँ सर, थोड़ा बहुत सुना था, अच्छा बता रहे हैं स्कूल। फिर बोला था मैडम ने, दिलवाओ इसमें टेस्ट एक बार जी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी, बच्चे को भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा जी। बिल्कुल, बच्चों का हौसला भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है भाई। और कमाल की बात यह है कि ये देखिए कितने सारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हैं, और इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं अंदर स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं जी। मैम नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से आए मैम? दादरी से आए सर। तो स्कूल अच्छा लग रहा है मैम? हाँ अच्छा लग रहा है सर। बच्चे आज जीत पाएंगे स्कॉलरशिप? हाँ वो लग तो रहा है सर कि जीत जाएंगे। तैयारी पूरी थी? हाँ तैयारी पूरी। कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए आए हैं आप? थर्ड थी, थर्ड क्लास की है बच्ची जी। हाँ तो पहले यहीं पे पढ़ रहे थे या कहीं और? नहीं, कहीं और पढ़ रहे थे सर जी। तो वहाँ से कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ? हाँ अच्छा दिख रहा है सर जी, यहाँ पे कुछ अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है जरा वो जान लेते हैं जी। कहाँ से पहुँचे हैं आप? चरखी दादरी से ही हैं सर। तो क्या कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? ग्राउंड अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग अच्छी लग रही है, टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? पढ़ाई अच्छी लग रही है जी। पढ़ाई अच्छी लग रही है, कैसे पता चला यहाँ के बारे में? का माहौल देख के भी सर पता चल रहा है और बच्चों से भी पता चल रहा है, दो बार बच्चा पहले भी टेस्ट दे चुके हैं जी। तो पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था? हुआ था। अच्छा जी, तो तब एडमिशन नहीं दिलाया? एडमिशन नहीं दिलवाया था, अभी दिलवाएंगे जी। देखिए पिछली बार नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन हो गया था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, अब की बार एडमिशन के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं जी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। बच्चों को घर पे माएँ पढ़ाती हैं, क्या कुछ लगता है जो पहले वाले स्कूल में जो क्या करा रहे थे अब यहाँ पर क्या कुछ करा पाएंगे? पता नहीं जी, अब बच्चे देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जी। तो बच्चा तैयार ही करके आया अपनी पूरी? हाँ बच्चा पूरी तैयारी करके आया। लग रहा है स्कॉलरशिप जीत जाएगा? हाँ लग तो रहा है, और बाकी देखो लाखों रुपए की स्कॉलरशिप है। हाँ देखते हैं जी, वो तो जी देखते हैं, अभी दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है। भाई साहब भी यहाँ पे बैठे हैं जी, भाई साहब कहाँ से पहुँचे हो? पतुआ से। कहाँ बच्चा यहीं पे पढ़ रहा था या कहीं और था? नहीं स्कूल ब्रॉड में पढ़ रहा था। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल और उस स्कूल का माहौल, कौन सा बेहतर लग रहा है? यही बेहतर है। यही बेहतर है? हाँ वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया है। हाँ तो अब यहाँ पे उससे बेहतर माहौल दिख रहा है? अभी देखते हैं, अभी क्या बच्चा टेस्ट देगा, जिसका दिमाग का कितना क्या है जी। तो मतलब टेस्ट के बाद अगर नंबर पड़ जाता है बच्चे का तो करवाएंगे एडमिशन? हाँ फिर यहीं करवाएंगे। वाह जी, और स्कॉलरशिप के बारे में क्या कहोगे? तो स्कॉलरशिप तो बच्चा जिस तरह पढ़े है तो उसी के उसमें है, वो कितना पाता है नंबर जी। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ, लाखों रुपए की स्कॉलरशिप है और
पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को ही नहीं, 10 स्थानों तक जो बच्चे आएंगे, जो 10th पोजीशन तक जो बच्चे आएंगे, उनको सभी को स्कॉलरशिप दी जा रही है। और कमाल की बात ये है, स्कॉलरशिप केवल एडमिशन लेने पर ही नहीं है, आप एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आपको स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो बाकायदा दिया जा रहा है। और अगर आप एडमिशन लेते हो उसके बाद, तो उसके बाद और दूसरे भी लाखों रुपए के इनाम है। कमाल की बात ये है जी। सर कहाँ पे से पहुँचे? मैं इधर दिखा रोड पर चरखी दादरी में जी। तो चरखी दादरी में काफ़ी सारे स्कूल हैं, इसी स्कूल को क्यों सुन रहे हो? ये इसका इसके बारे में सुना है कि इसमें अच्छी पढ़ाई ठीक होती है बच्चों की, पढ़ाई ठीक होती है, पढ़ाई भी है, खेल कूद का भी अच्छा है। रिजल्ट देखा है पहले का इसका? रिजल्ट तो नहीं देखा मैंने, बाकी सुना था बच्चों से या जैसे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। हाँ जी। तो अभी जब आज यहाँ आए हो तो आप माहौल देख रहे हो, कैसा दिख रहा है? माहौल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, आके यहाँ का एडमिशन बड़ा अच्छा है जी, ठीक है। तो माहौल अच्छा है, तो अच्छी चीज़ ये है कि माहौल अच्छा है। और अभी तक हमने जिनसे भी बात की है कि वही बता रहे हैं कि माहौल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी बताई जा रही है। जी सर नमस्कार, कहाँ से पहुँचे? नमस्कार जी, खातीवास से। खातीवास में भी शायद स्कूल है? हाँ, खातीवास में स्कूल है जी, प्राइमरी तक स्कूल है। अच्छा। अपना बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर करवाएंगे तो तैयारी पूरी है बच्चे की? तैयारी देखो जी, बच्चा ने अपने लेवल से तो की है, और यहाँ तो उसका भाग्य है, मेहनत है, वो क्या कहती है, तो उसके बाद में कोई डिसीजन होगा जी। ठीक है, स्कूल के बारे में कुछ पता किया आपने कि क्या स्कूल है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कोचिंग व्यवस्थाएं हैं, कुछ पता करिए आप इसके बारे में? तो देखो जी, मैं तो पहली बार इससे आया हूँ, देखने में सुनने में आया ये, अब तो आगे तो जो देखने से तो अच्छा लग रहा है जी। आपको कैसा लग रहा है जी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन के लिए आप आए हैं जरा? मेरी बेटी है 11th क्लास के लिए जी, अभी 10th के एग्जाम दिए हैं। तो बड़ी क्लास हो जाती है, उसमें काफी सारी आप भी उम्मीदें कर रहे होगे शायद स्कूल से। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो क्या कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं? ना बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा एक पहले बेटी पढ़ती थी, तो बहुत अच्छा है माहौल जैसे, और क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन और एक्टिविटियों में है ना काफी डेवलपमेंट हुआ है जैसे। तो पहले क्यों नहीं करवाया, जब दो एक बच्चा पहले से आपका यहाँ पे पढ़ रहा था तो दूसरे बच्चे को भी यही करवा देते? बस एक्चुअल में वो अभी 6th में हुआ है, तो सैनिक स्कूल के लिए 1 साल के लिए हमने उसको अकेडमी में छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी दोबारा इसलिए दिवाए हैं अभी दोबारा है, तो हो जाएगा तो सिलेक्शन यहाँ पे एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कॉलरशिप का क्या है, कितना कितनी की स्कॉलरशिप जीत पाएगा बच्चा? बच्चा मेरा अच्छा है जी, जी। तो मुझे लगता है आशा है, आ सकता है, उम्मीदें पूरी है। बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए जी, उम्मीदें पूरी है। यहाँ पर और भी लोग हैं। ताऊ जी कहाँ से पहुँचे हो? चरखी दादरी। चरखी दादरी सही। तो चरखी दादरी में तो काफ़ी सारे स्कूल हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, हम हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने ये स्कूल क्यों चुना है? यहाँ मैडम और जो बंदोबस्त है स्कूल का, स्टाफ वगैरह ठीक है जी। तो स्कूल का स्टाफ बढ़िया है, देखिए कमाल की बात है कि स्कूल का स्टाफ बढ़िया है। भाई साहब क्या काम करते हैं? जमींदार जी। जमींदारी के मैं तो प्राइवेट स्कूल का पैसा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो जाए जी, करना पड़ेगा बच्चे के लिए तैयारी कर। तैयारी ठीक है। कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए? आप मेरा मतलब पोती है जी, वो 3री में है जी, वो पहले 2री में आई थी, अब फिर वो पेपर फिर से पेपर है, तो वापस सोच रहे हो यही करा दें? यही करवा दें, स्कूल ठीक है जी ये भी। अच्छा स्कूल ठीक है जी, अच्छी पोजीशन बता रहे हैं जी। भाई साहब क्या लग रहा है स्कूल का? अच्छी लग रहा है स्कूल का, और जो है ना माहौल भी बढ़िया है यहाँ का। तो और बच्चे को बना पाएंगे जो आप सोच रहे हैं? कहीं बड़े बड़े औहदे आपने सोचे होंगे दिमाग में कि मेरा बच्चा बनेगा? बिल्कुल, पूरी कोशिश हमारी भी बच्चा जिस कोचिंग विंग भी इन्होंने शुरू कर रखा है, कोचिंग का फायदा मिल पाएगा बच्चे को? देखो कोशिश है जी हमारी, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, देखिए कमाल की बात यह है कि मिलना चाहिए जी। भाई साहब क्या कहोगे आप, क्या कौन सी क्लास में बच्चे के लिए आए हो? 4th क्लास में। बच्चा यही था या पहले कहीं और? नहीं जी, गांव में था, चिड़ा गांव में सरकारी स्कूल। तो अब यहां पे क्या उम्मीद करके आए हो? उम्मीद तो जी बच्चा वो भाई की लड़की है जी, जी वो एडमिशन करवाएगा तो उसके ऊपर बात है जी। जी तो अगर हो जाता है सिलेक्शन तो कराएंगे फिर? हाँ तो भाई वो देखेगा, उसको बोलेंगे तो जी। भाई के बच्चे के लेकर के आए हैं तो कमाल की बात है, और भी है बेटा, थोड़ा सा हमें जरा जगह दे दो, भाई से बात करते हैं जी। भाई क्या सोच करके आए हैं? और बहुत सारे स्कूल हैं दादरी में। तो देखो हम तो टेस्ट दिलाने के लिए आए भाई साहब,
अगर तो स्कॉलरशिप के लिए आए हो? नहीं, स्कॉलरशिप के लिए नहीं आए। तो फिर टेस्ट दिलाने के लिए क्या उचित क्या? बच्चे को प्रोत्साहन मिलता रहे, उसको पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ, इसलिए आए जी। कोई तो अगर जैसे अच्छा मार्क्स आ जाते हैं, स्कॉलरशिप जीत जाता है, तो कराएंगे बाद में यहाँ पे एडमिशन कराने की भी सोच रहे? तो टाइम बताएगा जी। देखो अभी तो कई स्कूलों में दे रखा है बच्चे ने। अच्छा, और अभी ट्रायल पे है? ट्रायल पे है। तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है, माहौल नॉर्मल माहौल है जी, ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अभी तक तो नॉर्मल एवरेज है जी। भाई साहब आप क्या कहोगे, क्या क्या लग रहा है स्कूल देखने में, कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है जी, अच्छा है स्कूल। और देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं और कुछ लोग पीछे ज़रा बैठे हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएँ बैठी हैं, ज़रा इनसे जानेंगे जी क्या सोच के आए हैं यहाँ पर बच्चे के लिए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आए हैं सर, थोड़ा सा बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा भाई दूसरे स्कूल में कैसे किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है, और कुछ इनकी नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं ना, तो उस हिसाब से भी था कि भी आगे फिर देखेंगे। कौन सी क्लास में है बच्चा अभी? फिफ्थ क्लास में है सर। फिफ्थ क्लास में है, और फिफ्थ क्लास से ही देखिए कोचिंग के लिए सोचना शुरू कर दिया है भाई पेरेंट्स ने, तो एक कमाल की बात है। तो कोचिंग यहाँ पे करवा पाएंगे ये लोग? देखो सर, इन्होंने बोल तो रखा है कि हम करवा रहे हैं, तो देखेंगे फिर आगे। अभी टेस्ट दिलवाना है प्रायोरिटी, तो टेस्ट दिलवाते हैं, फिर बच्चे का स्कोर देखते हैं, फिर आगे का डिसाइड करेंगे जी। आप कौन सी क्लास के लिए आए हैं जी? सिक्स्थ में है सर बेटी जी। तो क्या लग रहा है बच्चा आज स्कॉलरशिप जीत पाएगा? देखो सर, देखते हैं जी, देखते हैं। काफी सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए भी आए हैं, तो ये कमाल की बात है। यहाँ पे ताऊ जी हैं। ताऊ जी कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन के लिए आप पहुँचे हो? आठवीं में। एक तीसरी में। दो बच्चे लेके आए? दो बच्चे। वाह जी वाह। और क्या लग रहा है स्कूल कैसा है? स्कूल ठीक है जी। कहीं से सुना था स्कूल के बारे में, या फिर किसी ने बताया, या फिर किसी ने स्पेशल आपको अप्रोच किया कि भाई साहब एक बार आया जाओ बस? हाँ, स्पेशल अप्रोच किया है जी। स्कूल के टीचर्स पहुँचे थे? हाँ जी। तो उसके बाद अब यहाँ पहुँचे हो, स्कूल की बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, अच्छा ग्राउंड दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि कुछ बच्चा यहाँ पे अच्छा सा जो जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में जो कहते हैं कि हर तरीके से विकास कराएंगे, यहाँ ये स्कूल करा रहा होगा? देखो भी अभी वो तो बच्चों को फिट बैठे जी, बच्चों को फिट बैठे तो की बात है जी। यहाँ पर और भी लोग हैं, इधर महिलाएं हैं कुछ, इन महिलाओं से भी ज़रा जानते हैं कि क्या कुछ ये सोच करके आई हैं जी। क्या सोच के आए हो बच्चे के लिए जी? बच्चे को पता चले कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या होते हैं, और के नाम स्कूल के बारे में पता चले भी कैसा स्कूल है जी। हाँ। और बच्चे का अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो कराएंगे यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। कुछ सुना था आपने इसके बारे में कभी? हाँ सुना था, बहुत कोचिंग वगैरह भी देते हैं स्कूल के नीट वगैरह की जी, इसीलिए तभी आए हम जी। तो यहाँ पे देख लीजिए कोचिंग का बड़ा एक असर है कि कोचिंग अगर कोई स्कूल दे रहा है तो बढ़िया चीज है जी। कोचिंग चाहिए है या फिर शिक्षा नॉर्मली चाहिए जी? अभी छोटे बच्चे हैं सेकंड और फोर्थ में, तो नॉर्मली पढ़ाई, आगे कोचिंग यहीं पे। ठीक है, तो लेकिन बेस तो वहीं से बनता है। हाँ जी, तो लग रहा है स्कूल बेस बना देगा। अच्छा लगा जी। अच्छा लगा? हाँ बढ़िया। एडमिशन कराएंगे? कराएंगे जी। वाह जी वाह। आप कौन से क्लास के लिए आए? सेकंड के लिए ही। बच्चा छोटा होता है तो उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, लग रहा है यहाँ पे फैसिलिटी होंगी इसलिए तो लेके आए सर जी। बच्चा कुछ देखेगा, पढ़ेगा, बच्चों दूसरे का देखेगा तो हौसला बढ़ेगा, कैसे नंबर आएंगे वो देखेंगे ना बाद में जी। बिल्कुल, देखिए हौसला बढ़ेगा, ये कमाल की बात है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा इधर से कुछ आपस में चिटचैट हो रही है, जरा उस चिटचैट के बीच में हम जरा घुस जाते हैं कि ऐसी क्या खास यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, जरा हम जान भी लें यहाँ पे जी। कुछ चर्चाएं चल रही थी, आप भी चर्चा कर रहे थे स्कूल के बारे में थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जी। स्कूल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो यहाँ पे स्कूल में बैठ के? बच्चे का एडमिशन कराने आए हुए? नहीं, एडमिशन कराने नहीं आए, हम तो वैसे ही पेपर दिलवाने के लिए आए हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए? हाँ जी। लग रहा है जो ये साइंस और मैथ ओलंपियाड जो हो रहा है उसमें आपका बच्चा स्कॉलरशिप जीत पाएगा? जी, स्कॉलरशिप जीतने की बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज के लिए लेके आए हैं। नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। सब माँ बाप ने उम्मीद। ठीक है जी, इधर ताई जी बोल रहे हैं जी, क्या क्या उम्मीद लेके आए? सब बच्चा ने उम्मीद रहा है भाई, अपने हमारे पोता पोती जीतने भाई। तो आज यहाँ पे लग रहा है कि कुछ और अच्छा सा आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिल पाएंगी स्कूल में? हाँ मिल पाएंगी ना जी। और अगर एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो कराएंगे? हाँ जी।
जी तैयारी पूरी है। कहने की बात यह है कि पूरे के पूरे यहाँ पर जो तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अपना ये सोच करके कहीं ना कहीं आए हैं कि अगर बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छी चीज़ें मिलते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि लोग अच्छी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि स्कूल अच्छा दिखाई दे रहा है, कोचिंग फैसिलिटीज़ है, और उन्हीं चीज़ों के लिए ये जो तमाम जो पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये लग रहा है कि अब कोचिंग फैसिलिटी सभी स्कूलों को शुरू कर देनी चाहिए ताकि जो ये पेरेंट्स का जो एक ये है कि अंदर से वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ आगे जो आने वाले जो टेस्ट होंगे, जो उसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें वो अच्छा कर पाए। तो इस बारे में ज़रा जानेंगे यहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी कि वो क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ दे पाएंगे कि जो यहाँ पर इतने सारे पेरेंट्स इतनी सारी उम्मीदें लेकर के आए हैं तो क्या स्कूल खराब उतरेगा भी क्या। जी भाई साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कुछ बात करना चाह रहे थे कि जब इन्होंने देखा हमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हम भी पूछ रहे हैं। जी भाई साहब क्या कहना चाह रहे हो स्कूल के बारे में? प्राइवेट स्कूल में फीस है या कुछ पढ़ाई भी हो रही है? आप बताएं आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जब आप इस एपीएस स्कूल में पहुँचे हुए हैं, आप बच्चे का टेस्ट दिलाने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं पहले वो बता दें। बच्चे का टेस्ट दिलाने के लिए आए हैं, देख रहे हैं बच्चा उसमें कैसा है, उसके बाद स्कूल की फीस देखेंगे, फीस कितनी है, जायज़ है या ज़्यादा है। तो अभी जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल और जो दूसरा स्टाफ था वो आप लोगों से अभी कुछ बात कर रहा था, तो उनसे आपने कुछ पूछने की कोशिश की है? बात करके तो उनसे अच्छा लगा है, फीस के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई, बाकी बात करने में सभी अच्छे हैं जी, व्यवहार अच्छा है जी। और आगे फीस के बारे में बात होगी जब पता चलेगा जी। तो क्या मानते हैं कितनी फीस होनी चाहिए इस स्कूल की, अगर आपसे पूछूं कौन सी क्लास में आप एडमिशन के लिए? फोर्थ क्लास में है। कितनी फीस आप चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी फीस तो हो तो मैं एडमिशन करा दूंगा? भाई 2,000-2,500 रुपए के लगभग फीस हो तो वो जायज़ है, उससे ऊपर तो फिर फीस जायज़ कहाँ है। अभी गीता भवन में लड़का चौथी क्लास में पढ़ रहा है, वहाँ की फीस 1,450 रुपये है और पढ़ाई भी उस स्कूल में अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। प्राइमरी लग का स्कूल है, फर्स्ट से पाँचवीं लग का स्कूल है और उससे सेटिस्फाई है। तो यहाँ से अब क्या उम्मीद मान रहे हो कि उससे बेहतर होगी? देख रहे हैं अभी पता चलेगा टेस्ट होने के बाद और इनसे प्रिंसिपल से बात करने के बाद जी। तो यहाँ पर देख लीजिए फीस भी एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जहाँ पेरेंट्स ये सोचता है कि क्या अगर फीस उनकी जेब पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी, तो ये भी देखना होगा। तो चलिए आप बात कीजिएगा और उसके बाद हम जरा कोशिश करेंगे अगर हम आपसे मिल पाए तो हम आपसे जानेंगे कि अब क्या आपका विचार है। बिल्कुल, अगर अच्छा लगे तो आपको बताएंगे और अच्छा ही होगा जी। बिल्कुल ठीक। तो देखिए अभी हम स्कूल के अंदर आ चुके हैं, बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, और आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ पर जो है टेस्ट दे रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि अंदर का माहौल दिखा दें कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए कितने सारे बच्चे आए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ लगभग 2,500 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन है और वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं। और हर एक कमरे में आपने पहला कमरा देख चुके हैं, यहाँ पर मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि इस रूम को भी यहाँ पर दिखाएँ कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे हैं और लगातार आगे आते जाएँ। मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा माहौल दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ जो तमाम जो जगह हैं वहाँ हर एक कमरे में बिल्कुल पूरे के पूरे कमरे जो हैं बिल्कुल भरे पड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, जैसे कि मैंने कहा लगभग 2,500 बच्चों का जो यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन हुआ था और यहाँ पर आज वो सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 2,500 बच्चे और हर एक कमरा बिल्कुल फुल है। यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो चुका है इसलिए हम अंदर ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यहाँ पर कमाल की बात मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ स्कूल जो है वो अपने बच्चों को भी यहाँ पे मौका दे रहा है वो भी स्कॉलरशिप जीत पाएँ, तो वहीं दूसरे स्कूलों से देखो कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आए। तो यहाँ देखिए मैम है, जरा चलते मैम से बात कर लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम आपसे बात हुई थी हमारे पीछे, तो काफ़ी सारी बातें आपने बताई थी कि बड़े सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आज तो बड़े हर एक क्लास भरी पड़ी है। सर ये मैं ये कहूँगी कि गुड विशेस है और लगाव है, पीएस से एक अलग सा माहौल बच्चों को देखने को मिल रहा है जी। तो बहुत गुड रिस्पांस है, बहुत ज्यादा, जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बोलता तो इतने बच्चों को संभाल पाएंगे मैम? बिल्कुल, देखिए आप प्लीज, आप तो चेक करने ही आते हो बिना बताए। बिल्कुल, हम दो बार तीन बार आ चुके हैं यहाँ पर, हर बार ये हालात हमें मिले कि बहुत ही बढ़िया माहौल मिला है। तो मैम आज की जो तैयारी थी पूरी थी? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार थे और हम इतने दिनों से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे, सारी हर एक स्टाफ इसके पीछे काम कर रहा था और आज
स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुआ है हमारा, गुड रिस्पांस है और बहुत स्मूथली अभी तो चल रहा है सर। जी बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और एक बार ऊपर की क्लासरूम्स को और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ माहौल है, क्या बच्चे जो हैं बड़ी कंफर्टेबली बैठ करके यहाँ पर टेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं। अब ऊपर चल रहे हैं हम और ऊपर जा करके भी आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं कि कैसा माहौल है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि ऊपर आ जाएँ और ऊपर आ करके दिखाएँ किस प्रकार से जो आज ये मैथ एंड साइंस ओलंपियाड जो है किस प्रकार से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे बच्चों का देखिए आप, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल शांति के साथ यहाँ पर पेपर दे रहे हो। और एक स्कूल से नहीं है भाई, अलग अलग स्कूलों से यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल बाकायदा बच्चे यहाँ पर बिल्कुल शांति के साथ यहाँ पर दे रहे हैं अपना पेपर। और यहाँ पर भी देखिए, मैं कमाल की बात ये मान रहा हूँ कि कोई भी क्लासरूम खाली नहीं है। और ये खाली ना होने की वजह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा भाग के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक तरफ में ये जो चल रहा है एग्ज़ाम और दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप ये कमाल देखिए आप। क्लासरूम ही नहीं, यहाँ पे ग्राउंड में भी बच्चों को बैठाना पड़ा है। इतने सारे बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये कमाल की बात है कि ये जो तमाम जो बच्चे हैं टैलेंट चेक करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ स्कूल की वो सारी फैसिलिटीज़ को चेक करने के लिए आए हैं जिन फैसिलिटीज़ को ये शायद पाना चाहते हैं। और इन उन फैसिलिटीज़ को पा करके कहीं ना कहीं जो अपना भविष्य है वो बड़ा ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं। कुछ क्लासरूम और भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा आप अंदर कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं। और भी आगे आपको दिखाता हूँ, और भी आगे आकर के दिखा दीजिए, यहाँ पर भी दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भी बैठे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हैं बच्चे बैठे हैं। और कमाल की बात ये है कि ये जो संख्या है लगभग 2500 के आसपास है, क्योंकि इतने सारे जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ इस स्कूल में इस मैथ एंड साइंस ओलंपियाड के लिए हुआ है। और कमाल की बात है कि ये सारे के सारे बच्चे आज यहाँ पर उस मैथ एंड साइंस ओलंपियाड में अपना टेस्ट देने के लिए पहुँचे हैं, अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए पहुँचे हैं। और साथ ही साथ कुछ बच्चों उनका ये भी मोटिव रहेगा कि उनका एडमिशन भी यहाँ पर रह जाए, कि जिस तरीके से हमने पेरेंट्स से बात की है तो पेरेंट्स ने साफ साफ ये कहा कि अगर बच्चे का स्कोर अच्छा आता है तो हम चाहेंगे कि उसका एडमिशन भी हम यहीं पर कराएं। तो कमाल की बात है भाई। और आप चलिए चल करके इनके प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो देखिए स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में भी हम आ गए हैं। पहले हम कोचिंग विंग में आप लोगों को दिखा रहे थे कि कोचिंग विंग में किस प्रकार से बच्चे टेस्ट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब यहाँ पर हम जो इनका जो मेन जो जूनियर्स के लिए भी बिल्डिंग आप बोल सकते हैं और उसके लिए भी आए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए एक बार बिल्डिंग आप देख लीजिए, कमाल की बात है भाई साहब किस प्रकार से रंग बिरंगी। और बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो शायद खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर अब ज़रा बात करेंगे कि जो टेस्ट वाले जो बच्चे आए हैं वो कहाँ पर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिखा दें अंदर की तरफ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपना मैथ एंड साइंस ओलंपियाड के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये बच्चे हैं, दूसरी तरफ का भी दिखाएं आप, दूसरे रूम में भी यहाँ पर भी दिखाएं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कमाल की बात ये है कि ये सभी के सभी बच्चे यहाँ पर जो है इस टेस्ट के लिए पहुँचे हैं। और देखिए बिल्कुल सभी तैयार बैठे हैं वराउंडा में जो है, बिल्कुल चारों तरफ जो है बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बच्चों का जो टेस्ट है वो चल रहा है। क्लासरूम में भी खाते लेकर के आए कि क्लासरूम में तमाम जो बच्चे हैं वो बैठे हैं टेस्ट के लिए। चाहूँगा अगले क्लासरूम में भी यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर भी दिखाएं कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो टेस्ट दे रहे हैं। और तो कमाल की चीज़ ये है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा बच्चों के अटेंडेंस ली जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ भी यहाँ पर सामने की तरफ दिखा दीजिए कि किस प्रकार से जो तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो स्कूल के द्वारा कर ली गई हैं। और यहीं पर हमारे साथ में यहाँ पर एपी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं नवीन जी, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? ढाका साहब बहुत ही अच्छे सर। सर आज तो बाढ़ आ गई है बच्चों की। बहुत सर बहुत खुशी हो रही है कि बहुत बढ़ चढ़ कर बच्चों ने भाग ले रहे हैं आज जी आदर्श मैथ्स एंड साइंस ओलंपियाड में जी। और आप देख पा रहे हैं कि
ही है, हमारी बेंचेस कम हैं तो उसके बच्चों की व्यवस्था। मैंने सुना कि लगभग 2500 के आसपास बच्चे आ गए। सर अभी डेटा जो मेरे पास है वो 2700-2800 के आसपास का है। वो आदि मतलब हमारे सुनने से भी भाई साहब उससे भी और भी ज़्यादा बच्चे आ गए हैं। और कमाल की बात यह है कि अभी मैंने नीचे देखा था, अभी भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अभी भी बच्चे आ रहे हैं, वो भी शायद टेस्ट देंगे। तो सर लगातार नंबर तो शायद बढ़े नहीं रहा है। नहीं बढ़ तो रहा है सर, बस अब हमने काउंटर को ऑफ कर दिया है। टाइम टाइम होता है ये प्रतियोगिता के लिए, तो उस टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो बच्चा है वो है। उसके बाद एक दिन पहले ही हमने बंद कर दिया था। वो तो बच्चे काउंटर पे वो खड़े थे कि जिनकी कोई प्रॉब्लम थी, किसी का प्रिंटआउट नहीं था, एडमिट कार्ड हमने जारी किए थे ऑनलाइन। हाँ सर ये भी मैं देख रहा था, बिल्कुल ऐसे बोर्ड एग्जाम की तरह से एडमिट कार्ड निकल रहा है। सीटिंग प्लान और पूरी प्रॉपरली लगी हुई थी ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो वो भी लिस्ट देखी सर, आपकी लिस्ट देख करके मैं पढ़ता पढ़ता थक गया, शायद नाम खत्म नहीं हुए। अरे सर वो तो बच्चों की प्रतिभा का सम्मान है ये, जो कि आदर्श ग्रुप करना चाहता है जी। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सिर्फ चरखी दादरी के ही ना से ही एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जैसे चरखी दादरी है, भिवानी है महेंद्रगढ़ है, उससे भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। जैसे मेरी गेट पे बात हुई कुछ पेरेंट्स से जी, तो उन्होंने बताया कि वो इसको बहुत अच्छा वेटेज दे रहे हैं और आजकल पेरेंट्स में क्रेज है इस बात का। जी बिल्कुल, हमने भी पेरेंट्स से काफ़ी सारों से बात करी, कुछ लोगों ने थोड़ी सी एक समस्या जताई कि भैया फीस कितनी होगी अगर हम यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, तो सर फीस नॉर्मल रहने वाली है या बहुत हाई होने वाली? सर ये ऐसा कुछ इससे कंसर्न नहीं है फीस का। फीस जो हमारी पहले थी उसमें जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म है कि 5-7% इंक्रीज जो जनरली हम हर साल करते हैं, कोई ऐसा कोई हाइक नहीं है। बिल्कुल जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है उसकी पहुंच से साथ है, तो नॉमिनल फीस रहने वाला, नॉमिनल फीस है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा। पेरेंट्स का जो डर है वो उनका निकल जाना चाहिए। ना ना बिल्कुल सर, डर निकले वो काफी पेरेंट्स ने मुझे भी पूछा है, वो फीस पूछ भी रहे थे आज मेरे से, पर मैंने आज उनको पोलाइटली यही कहा है कि भाई आज का काम हमारा एग्जाम लेने का है और उन बच्चों का हम अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाना ही हमारा आज का एम है। और फीस मैंने आपको जैसे बताया और उन पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी फीस थी उसमें एक नॉमिनल इंक्रीज के साथ ही बच्चों का एडमिशन होगा। जी बिल्कुल सर, और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर, पेरेंट्स का सवाल है ये, क्योंकि मैंने अभी पेरेंट्स से बात की है तो काफी सारे उन्होंने जैसे मुझे चीजें बताई, काफी पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों के लिए रहा, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी जानी कि भैया यहाँ पर कोचिंग फैसिलिटी कहाँ से कहाँ तक की अवेलेबल है, जरा वो भी हम जानना चाहेंगे ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, इसके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अच्छा कर सके। तो कौन सी क्लास से सर आप कोचिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं? सर देखो हमारा लास्ट ईयर भी कोचिंग की फैसिलिटी थी, कंटिन्यू उसको हम कर रहे हैं। सिक्स ऑनवर्ड तो उनकी क्लासेज एक्स्ट्रा बना रखी हैं हम, ठीक है। प्राइमरी का हम ये मानते हैं कि बेसिक एजुकेशन है जो सब बच्चों की इक्वल होनी चाहिए जी। तो सिक्स ऑनवर्ड उनकी क्लास अलग सेक्शन है, कोचिंग विंग है हमारी, आपने देखा होगा सामने, बिल्कुल हमने दिखाया, उसमें भी पूरा का पूरा दिखाया। हाँ तो बिल्कुल, तो कोचिंग विंग में है वो बच्चे, उनका रीजनिंग का, मैथ्स का और साइंस का अलग फोकस है, फैकल्टी भी हमारी अलग है उनकी, तो इसलिए ये सब्जेक्ट अलग हैं जो तीन सब्जेक्ट बेसिकली। उसके बाद ग्रामर, पेरेंट्स ये मान के चलें कि कल को अगर नीट का या कोई भी दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए यहीं पर कोचिंग हो जाएगी, उनको कहीं दूसरी जगह कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा? सर हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरा फैसिलिटी है बच्चों की, आप देखेंगे तो लैब फैसिलिटी भी हमने बहुत ही सुंदर बनाई है बच्चों की, और इसके अलावा उनकी जैसे क्लासेज हमारी कुछ ऑनलाइन भी थी और ऑफलाइन भी पैरेलल भी हमने चला रखी थी जी, ताकि बच्चों का है ना डाउट जो है, और जो डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारी जो फैकल्टी है वो IITN NITN है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पेरेंट्स मिलते हैं वो बड़े प्रभावित हैं और उनको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जी बिल्कुल सर, और यहाँ पर एक चीज़ और जानना, तो लाखों रुपये की जो स्कॉलरशिप बांटी जानी थी वो कब बांटी जाएगी सर? सर वो बिल्कुल हमने जैसे आपने पहले भी पूछा था एक बार, तो जस्ट आफ्टर 2 आवर्स 2-3 आवर्स जैसे ही इवेल्यूशन प्रोसेस होगा, क्योंकि बच्चे जो हमारी थी उम्मीद उससे भी आप देख रहे होगे कि ज़्यादा है मैट के इस्तेमाल में बच्चे, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर वो आज ही हम उन बच्चों को सम्मान करेंगे, जो कि हमने पेपर चेक हो जाएंगे बच्चों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 10th तक की पोजीशन निकालनी थी वो निकाल देंगे, वो 10th तक की पोजीशन आज ही दी जाएंगी और पेमेंट भी दी जाएगी। वाह जी वाह, देख लीजिए कमाल कर दिया APS स्कूल ने, और ये कमाल जो है ना यहाँ पर आप इन बच्चों की भीड़ के रूप में भी देख पाएंगे, बच्चे बड़ी ज़बरदस्त जो यहाँ पर उमड़ के आए हैं, और इस साइंस एंड मैथ ओलंपियाड में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आई बच्चों की कि ग्राउंडों में बैठाना पड़ गया है बच्चों को, कि व्यवस्थाएँ जो हैं बना दी गई हैं लेकिन क्या है कि ग्राउंडों में बैठाना पड़ा है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई है, ये कमाल की बात है सर, स्कूल बिल्कुल पूरा का पूरा फेमस हो गया सर अब तो। अरे सर ये तो आप सब है ना, पेरेंट्स का विश्वास है और बच्चों की मेहनत है, हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं किसी भी स्कूल में, किसी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए या किसी गवर्नमेंट का जो कंपटीशन होता है सर शिक्षा विभाग की तरफ से, तो हर जगह छाए रहते हैं, आप देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, और बच्चों के पेरेंट्स हमारे वर्ड ऑफ माउथ हैं, हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स का जो हमारे शुभ आशीष हैं और जो उनका हमारा फेथ है, हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू बना रहे
और बच्चों पे हम ऐसे ही लगन के साथ, पूरी हमारा स्टाफ है पूरा जोश के साथ है, पूरा स्टाफ हमारा मेहनती है और पूरे मन से पढ़ाता है, तो वो ऐसा कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी बिल्कुल, और ये जो मेहनत है कंटिन्यू रहेगी है। देखिए नवीन जी ने विश्वास दिला दिया, और अब ये देखना होगा कि इन बच्चों में से इनकी मेहनत कौन सों के रंग लेकर के आएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो बड़ा प्राइज़ मिलना है, साथ ही साथ टेंथ पोजिशन तक जो कॉन्सोलेशन प्राइजेज भी रहेंगे वो भी दिए जाएंगे। तो उस दौरान में बच्चों से भी बात करेंगे कि बच्चों को क्या लगा कि आज का टेस्ट कैसा था, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, स्कूल कैसा लगा है, और जब उनको इनाम मिले हैं जो स्कॉलरशिप मिली है तो उसके बाद उनको कैसा लग रहा है। तो बने रहो आप, और लगातार अब जैसे ही ये टेस्ट खत्म होगा तो उस टेस्ट खत्म होते ही साथ बच्चों से और बात करते हैं।